सच्चाई है कि जिस चीज़ से सानू वोटां मिलियां जिस ते खड़े होकर कैप्टन साहब ने आप स्टैंड लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के दोषियों से कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का स्टैंड क्लीयर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बेअदबी से अपना स्टैंड क्लीयर करनगे। कैप्टन के मंत्रीमंडल विचों सिख जथेबंदियों ने कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को ही सन्मानयोग हस्ती वजों क्यों चुनिया? जिस दिन ये गए हूँ महाराज साहब को गए दोबारा ये अपना अस्तीफा लेके गए इन्हें आख्या जी आ चुको अस्तीफा पहलों सानू धर्म प्यारा कुर्सी जावे तो जावे पर गुरु साहिब की बेअदबी करने वाला ना बख्शा जावे ये हा का नारा मारिया रंधावा ने। जो हूँ असं की कही कि उत्थे गुरु के पिठ करके खड़े हो जाइए कि असी गुरु के सामने जो गल्लां कीतियां ने ते वो गल्लां गलत कह के आए ये मेरे को हो नहीं सकता। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा बरगाड़ी मोर्चे च मैं उही बोलिया जो कैप्टन साहब ने मैनू कहा। शहीदां दे वारिस सुखजिंदर सिंह रंधावा ने फिर कैप्टन नूं लिया निशाने ते। जो बरगाड़े च गए कैप्टन साहब ने जो हुक्म किया तो उही उत्थे जा के गल की गई संगत दे सामने। बेअदबी दे जिन्हां दोषियों का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह लेंदे रहे उन्हां ते कार्रवाई क्यों ना हुई? सिख जथेबंदियों मुताबिक शहीदां दी धरती धारोवाली तो शहीदां दे वारिस सुखजिंदर सिंह रंधावा सत्कार ते सन्मान दे हकदार ने क्योंकि शहीद भाई लक्ष्मण सिंह दी तरह गुरां दी होई बेअदबी दे इंसाफ लई सरकार नाल टकरा गए। बिल्कुल जिहड़ी साडी लड़ाई आ लड़ाई नहीं मैनूं कहिंदा कि इह सच्चाई आ कि जिस चीज़ ते सानूं वोटां मिलियां जिस ते खड़े होकर कैप्टन साहब ने आप स्टैंड लिया। जो बरगाड़े च गए कैप्टन साहब ने जो हुक्म किया तो उही उत्थे जा के गल की गई संगत दे सामने और वादा करके तो फिर उन्होंने 6 महीने का धरना जिहड़ा उन्होंने चुकया गया कभी भी आपां ना मर्यादा तो बाहर गए ना पार्टी के डिसिपलिन तो बाहर हाँ तो ना ही गुरु नूं पिठ देनी। रंधावा साहब बरगाड़ी जाके संगत दे सानूं की गल होई? उदे यही होया सी कि जेडे इस कातल गुरु साहब की बेअदबी दे जेडे पिछे ने उन्हां दा कैप्टन साहब ने ओपनली नां लैंदे रहे ने और उही कहा उन्होंने कि जेडे उहदे पिछे खड़े ने उहनां नूं भी लोकां दे सामने लिया के खड़ा किया जाएगा तो कानून अनुसार उहनां नूं सख्त सजावां करवाईआं जाणगीआं। नाल कहा सी कि इहदे ते फास्ट ट्रैक जिहड़ी कोर्ट जिहड़ी आ उह बणाई जाएगी। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने उन्होंने कहीं सी तो उही चीज़ा जाके उत्थे बोलियां गई तो पर जदों ये जो सारे संत समाज या होर कोई आउंदे ने तो उत्थे इहनां नूं जवाब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता कि तुसीं साडे सामने सारे उत्थे सीगे ते जदों आउंदे ते इहनां नूं हुण असीं की कहीए कि उत्थे गुरु दे पिठ करके खड़े हो जाइए कि असीं गुरु दे सामने जो गल्लां कीतियां ने ते उह गल्लां गलत कह के आए ये मेरे कोल ते हो नहीं सकदा। देखो अजे तो पहलों ये तो क्लीयर कर लीए कि जेडे गुरु जी बेअदबी करने वाले ने उन्हां बारे की स्टैंड आ हाईकमान की गल बाद आएगी वो साडी इंटरनल पॉलिटिक्स आ जां इंटरनल साडी लड़ाई आ। अज सिख समाज नूं असीं की जवाब देना इहदे लई दुनिया खड़ी आ। गुरु साहब के हक च आवाज़ चुकण वालियां नूं कीड़ी कुर्बानी देनी पै सकदी आने वाले? कोई पुरानी हिस्ट्री कढ लो के गुरु साहब के जेडे उहदी कुरबानी नहीं कहा जा सकता उहनू सेवा कहा जा सकता। जे कुरबानी कहांगे तो ये फिर ये गुरु नूं बेमुख भी होवांगे। गुरु लई ये तो कहा जा सकता कि तुसीं गुरु की आवाज़ चुकी है तो तुहानूं सज़ा मिलेगी तो वो सज़ा लैण लई तैयार है। ये पिछे वजह जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सत्कार अदब उन्होंने सरकार च रहिंदिया एडे वड्डे अहुदे ते रहिंदिया जो उन्होंने बरगाड़ी बचन किए उन्होंने फुल चढ़ाउंदिया होया अपनी स्टेटमेंट दिती है बड़ी बेबाकी दे नाल
परवाह नहीं की, कोई अपने अहदे की नहीं की, किसी के नाराजगी की परवाह नहीं की, केवल गुरु साहब जी समर्पित होकर सब तो पहलों भी मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सिख हाँ और उन्होंने परिवार का पिछोकड़ बहुत व्डा शहीदों का परिवार है। इस करके साडे जथेबंदियों के प्रचारकों के मन च आया जो कोई एडे वे अहदे पर रह के इन्नी बबाकी दे नाल गुरु ग्रंथ साहब जी नूं समर्पित होकर कोई स्टेटमेंट दिता, हालांकि बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां ने ते उहदा सत्कार करना उहदा सन्मान करना साडा फर्ज बनता। वेखो जी जिहड़ी गल आ सरदार रंधावा साहब जी की, ठीक है जी, इहदा कारण इह आ कि जिस दिन बरगाड़ी मोर्चा लग्गिया सी, ठीक है, उत्थे सारी संगत खड़ के सरदार तृप्त रजिंदर सिंह जी बाजवा साहब सरदार सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब जी, ये दो मिनिस्टर जेड़े आ महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों आए थे, ठीक है सी, उहदे विच इन्हां ने आण के तो बड़ी दृढ़ता दे नाल और हौसले नाल ये गल आखी सी कि जिस मकसद लई सरकार चुनी गई सी संगतां वालों भी धन गुरु ग्रंथ साहब जी की थां थां ते बेअदबी हुई आ, गुरु साहब जी के गलियां विच अंग खिलार दिते गए ने, ते अज साडा कोई जीवन का हज नहीं गा, जे असीं इस सरकार दे हुंदिआं अपने सतगुरु अपने इष्ट की हुई बेअदबी का बदला ना ले सके, इन्हां दोषियों नूं सजावां ना दवा सके, इन्हां ने वायदा किया, ठीक है जी, जिहड़ा अज असीं सन्मान करन पहुंचे हैं साढ़े मन दे विच बड़ी वड्डी आस सी कि किसी ना किते जाके सानू इंसाफ मिलेगा, तो जिहड़ा ये जिहड़ा परिवार आ जिहड़ा जिन्हां ने श्रोमणी अकाली दल का नां नूं वी कलंकित कर दिता है, बड़ियां वड्डियां कुरबानियां करके ये जिहड़ा अकाली दल आ लिया होंद विच कौम, इस करके जी जिस दिन ये गए ने हुण महाराजा साहब कोल गए दुबारा ये अपना अस्तीफा लेके गए ने, इन्हें आख्या जी आ चुको अस्तीफा, पहलों सानू धर्म प्यारा, पहलों साडा सतगुरु साडा इष्ट प्यारा, बिल्कुल उन्होंने पार्टी की परवाह नहीं की, बिल्कुल इन्होंने किसी अपने अहुदे की मिनिस्टरी की परवाह नहीं की, इन्हें आख्या जी मेरा परिवार का पिछोकड़ा शहीद भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली साहब उन्हें वेखो जी साडिया वडेरिया ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए शहादत दित्तिया सी, मैं उस खानदान चो हाँ, मैनू पहलू अपना धर्म प्यारा पार्टी राजनीति ये मिनिस्ट्रियां सब कुछ बाद च ने, तो सानू इंसाफ चाहिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जे इंसाफ नहीं लै सकते असी यहोजी बाजार के रहन का सानू हक ही कोई नहीं, इस करके इस खुश इस चीज़ में लैके इन्हों के दर्द नू लैके अज असी इन्हों का सन्मानित कर रहे हैं, भी फराक दिली विखाई आ हिम्मत विखाई है ना जी।